सफ़ेद बालों की समस्या मेलानिन की कमी होने की वजह से। ये हेयर ऑयल आपके मेलानिन पिगमेंट को बरकरार रखेगा और लंबे समय तक आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय चैनल नेम इज मूबीकर बिंदु एंड आई एम बिंदु। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेलानिन ऑयल। आप लोग बोलेंगे मेलानिन ऑयल वो भी हमारे बालों को क्या जड़ से काला बनाएगी? जी हाँ, मेलानिन की कमी हो जाती है जब बालों में हमारे शरीर में, तब जाके हमारे बाल है ना जो तेजी से सफेद होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, बाल तेजी से सफेद होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए धूल मिट्टी पॉल्यूशन बाहर तो हमें मिलने ही वाला है, इससे तो हम बच नहीं सकते। बट हाँ, कुछ घरेलू ऐसी चीजें होती है जिसे अप्लाई करके हम अपने बालों को सफेद होने से बचा सकते हैं। आज की DIY बहुत ही अमेजिंग है और ये बहुत ज्यादा यूनिक है। मे बी यूट्यूब पे पहली बार आप इसे देखेंगे मेरे चैनल पे, तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा इसी बात पे, एंड इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका रिजल्ट मिले। ठीक है, तो देखिए इस ऑयल को बनाने बहुत ही आसान है। ठीक है, आपके घर पे ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, किचन में ही इवन हमारे अवेलेबल होती है। बस थोड़ी से अगर इंग्रेडिएंट्स आपको ना मिले तो आप इसे बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर पंसारी की दुकान में जाके इसे बाय कर सकते हो। आज की जो हेयर ऑयल है ना, ये मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, आपके बालों को सफेद होने से जो बचाएगी, और साथ ही साथ आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए ना ये सबसे बेस्ट है। अगर आपके बाल दो चार बाल आगे से ही सफेद होना शुरू हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आपका बाल सफेद बाल जो है ना वो रिवर्स हो जाए, तो रिवर्स हेयर करने के लिए ना, बालों को काला बनाए रखने के लिए इस हेयर ऑयल का आपको यूज करना है। लगातार यूज करिए, आप देखिए कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके बाल जो है ना, जो जितने बाल काले हैं वो काले के काले ही बने रहेंगे। और एक चीज का आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अपने सफेद बालों को कभी भी अपने हाथों से प्लक करके उसे तोड़िए और रिमूव ना करिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जब हम एक बाल तोड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, सफेद उसका जो पानी रहता है वो निकलता है, बाकी के बाल भी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इन बातों का आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस ऑयल को आपको बिल्कुल इसी तरह प्रिपेयर करना है जिस तरह से मैं बता रही हूँ। अपने बालों पर इसे स्कैल्प में अच्छे से जड़ों पर मसाज करिए और आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखिए। ठीक है, ये रिवर्स भी करेगा आपके हेयर को। तो मेलानिन ऑयल बनाने का जो तरीका है, चलिए देख लेते हैं और किस तरह से इसे अप्लाई करना है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, हाफ नॉलेज लेके बिल्कुल नहीं जाइएगा। सो लेट्स गेट। मेलानिन ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में भरपूर आयरन मिल जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे लोहे की कढ़ाई लेना कंपल्सरी है। यहाँ पे हम लेने वाले हैं सरसों का तेल। ठीक है, एक कप सरसों का तेल आपको यहाँ पे ले लेना है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करने वाले हैं, ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। इस मेलानिन हेयर ऑयल को बनाकर आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं अपने बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के लिए। सफेद बालों की जो समस्या है ना, उससे आपको छुटकारा भी मिलेगा। बट इसका आप रेगुलर यूज करेंगे तब जाके आपको इसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ले लिया है ऑयल और मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स का हमें यूज करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेलानिन ऑयल बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कुछ इस तरह का अदरक का टुकड़ा। अदरक के टुकड़े को आपको लेना है यहाँ पे। इसे अच्छे से हम क्रश करेंगे, इस ऑयल में मिक्स करेंगे। अभी गैस के फ्लेम को हमने बंद रखा है। ठीक है, अभी हमने गैस के फ्लेम को बंद रखा है, अभी हमें इसे स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले हम ये अदरक का जो टुकड़ा है इसे घस के इसमें डाल लेंगे। अदरक में पाया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो हमारे स्कैल्प से ना डैंड्रफ को बैक्टीरिया को दूर करेगी और जड़ों में जाके ये अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन का काम करने वाली है। तो देखिए अदरक के टुकड़े को हमने यहाँ ले लिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं आंवला का पाउडर। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दोस्तों मैंने आप लोगों को हर बार बताई है, तो मैं यहाँ पे आंवला का पाउडर ले रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंवला पाउडर भी ले लेना है। इसमें ऐड कर दीजिए। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अब बहुत सी स्पेशल इन्ग्रीडियंट को ऐड करने वाले हैं, जो सबसे बेस्ट होती है बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के लिए। इसमें अब हम ऐड करने वाले हैं जटामासी का पाउडर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको इसी तरह से बना के मिक्स कर, सबसे पहले इस ऑयल में इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब गैस के फ्लेम को हम यहाँ पे ऑन करेंगे। ठीक है, आपको उतनी देर तक अच्छे से इसे पकाना है। चाहे तो आप इसे धूप या सूरज की रोशनी में भी रख सकते हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करे और ये मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। आप यहाँ पे नारियल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
चाहे तो। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है, बहुत से लोगों को सरसों का तेल नहीं पसंद आता है, तो नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा हम बॉईल आने तक वेट करेंगे। ये देखिए बॉईल हो गया है। बहुत ही बेस्ट आपका मेलानिन ऑयल बनके रेडी हो गया है। इसे अपने बालों पे, स्कैल्प में, रूट पे अच्छी तरह से मसाज करिए। कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसका मसाज करना है। और आप चाहें तो आपके ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना जरूर कर लीजिए, ताकि आपके जो बाल है ना वो बहुत ही तेजी से लंबे हो। ऑयल को एकदम से हीट ऑयल नहीं लगाना है अपने बालों पे, थोड़ा हल्का सा बस ऐसे गुनगुना सा करना है, जैसे कि आप डबल बॉयलर पे भी रख के कर सकते हो। ठीक है, तो पानी को गर्म करके इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से तेल को गर्म करके आप इसे लगा लें, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि जो आपके बाल है ना वो टर्न हो गए हैं व्हाइट हेयर को। ये टर्न करने के लिए मेलानिन ऑयल सबसे बेस्ट है, इसका यूज इस्तेमाल जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको बिल्कुल इसी तरह बना के देखिए, ये मेलानिन पिगमेंट आपका क्रिएट करेगा, इम्प्रूव करेगा मेलानिन पिगमेंटेशन को। और ये देखिए ये और हेयर ऑयल बहुत ही अमेजिंग सा है। इसे बना के आपको बस इसी तरह से स्टोर करके रखना है, अमेजिंग सा वर्क करने वाला है फ्रेंड्स। इसे आप अपने बालों पे लगाइए।